जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शंस की तैयारियां किस तरह चल रही हैं, तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ खास मेहमान है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पांडुरंग पोले। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुए दो फेज में, अभी जम्मू का हुआ, उधमपुर का हुआ, किस तरह का टर्नआउट आया और जो नए वोटर्स वहाँ पर आए उनमें किस तरह का बढ़ाव देखने को मिला आपका? जम्मू कश्मीर में अब तक दो फेजेस का इलेक्शंस हो चुका है, उसमें उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 19 अप्रैल को और जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 26 अप्रैल को वोट हुआ। उधमपुर में जिस दिन वोट हुआ था उस दिन काफ़ी बारिश थी, ऑलमोस्ट पूरे जम्मू कश्मीर में इंक्लूडिंग जो उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के 5 जिले हैं वहाँ भी काफ़ी बड़े पैमाने पर बारिश चल रही थी। हिली एरिया है, बारिश उसमें इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद वहाँ की वोटर्स बड़े पैमाने पर पोलिंग स्टेशन तक आए। जो 2019 में हमारा जो पोल परसेंटेज उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का था वह 70% था और अभी 2024 में डिस्पाइट रेन और इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद हमने जो है 69% पोल परसेंटेज उधमपुर में रहा है। जम्मू की अगर बात करो तो बहुत तेज़ धूप और जो हीट वेव के बावजूद वहाँ भी अच्छा पोल रहा। 2019 में जितना पोल परसेंटेज था 72.35% वहाँ पोल हुआ था और 2024 में हमने उसको क्रॉस करते हुए 73% से ज़्यादा वहाँ वोट हुआ है। ओवरऑल दोनों फेजेस का जो वोटिंग रही वो बहुत ही पीसफुल रही, कोई सिक्योरिटी के वाकयात या इवन कहीं सेफ्टी के इश्यूज़ भी नहीं आए जी। आप मुझे बताइए, जिस तरह आर्टिकल 370 के बाद इलेक्शन होना, पहली बार लोकसभा के इलेक्शन हुए उसके आर्टिकल 370 हटने के बाद, क्या आपको लग रहा था कि इतनी आसानी से जितनी आसानी से इलेक्शन हो गए जम्मू डिवीज़न में दो फेजेस में, क्या आपने कभी एक्सेप्ट किया था कि इतनी स्मूथली इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं, डेफिनेटली जो ओवरऑल एनवायरनमेंट सुधरा हुआ है, एक कॉमन आदमी भी महसूस करता है कि नॉर्मलसी का दौर चल रहा है और उसी के चलते अपेक्षा थी कि जम्मू साइड में इतना पोल परसेंटेज जाएगा। इवन कश्मीर साइड में भी जो है जो 2019 में जो पोल परसेंटेज रहा है उसका कई गुना ज़्यादा पोल परसेंटेज कश्मीर के जो 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्शन बका है उसमें होगा। नॉर्थ कश्मीर उसमें 60-65% या इवन उससे भी ज़्यादा, सेंटर और साउथ कश्मीर में भी जो है 50-60% से ज़्यादा पोल परसेंटेज रहेगा। जहाँ तक पूरा अमन और शांति से पोल कंडक्ट करना उससे रिलेटेड जो तैयारियां है वो मुकम्मल हो गई है, हमारे CAPF, लोकल पुलिस और दूसरे जो फोर्सेस है वो चुस्त दुरुस्त है, उन्होंने अपने एरियाज़ में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू कर दिए है। आवाम भी जो है मैं देखता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल रैली है, चाहे इंडिपेंडेंट की है, कहीं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स की है, काफ़ी बढ़ चढ़ करके उनके पॉलिटिकल मीटिंग्स में आ रही है जी। अब मुझे बताइए कि मैं आपको रोक रहा हूँ, जिस तरह लोकसभा इलेक्शंस हुए जम्मू में हुए, उधमपुर में हुए, जो नए वोटर्स 18+ जो हुए थे वो पहली बार वोट डालने गए, उनमें कितना टर्नआउट आया, जितने आपने एनरोल किए नए वोटर्स और उसके बाद उनमें कितना टर्नआउट आया, कितने नए वोटर्स निकल के सामने आए वोट देने के लिए? नए वोटर्स में सिर्फ वोटर बनने के लिए ही क्यूरियोसिटी नहीं थी, इवन वो वोटिंग के लिए भी टर्नअप हुए, खास करके जम्मू जैसे अर्बनाइज्ड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा। वहाँ जो 73% पोल परसेंटेज गया है उसमें डेफिनेटली जो यंगर लॉट है, जो फर्स्ट टाइमर वोटर है, जिन्होंने अभी अभी वोटर बने हैं, उनका भी काफ़ी परसेंटेज रहा है। और औसतन तौर पर बता दूं तो 3.75% हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के सेगमेंट में और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 18 से 20 तक के उम्र की नौजवान यूथ्स का काउंट है और पोलिंग में भी देखा गया है कि ऑलमोस्ट उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अब मुझे बताइए कि अभी जो इलेक्शन होने हैं, अभी 3 फेज के इलेक्शन बाकी हैं, जैसे अनंतनाग राजौरी है, सेंट्रल कश्मीर है, बारामूला है, कल आप बारामूला गए थे देखने, क्या आपको लगता है कितना चैलेंजिंग है ये? क्योंकि हमेशा ये कहा गया कि कश्मीर में थोड़े हालात में जो है उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो इलेक्शन क्या आपको लगता है कितनी अपनी तैयारियां की इन चीज़ों के लिए?
डेफिनेटली जम्मू एंड कश्मीर में, खास करके कश्मीर में इलेक्शंस इवन नॉर्मल हालात है, स्टिल हमें प्रिपरेशंस तो वर्स्ट सिचुएशन के लिए की है, चाहे फोर्स मेजर्स है नॉन फोर्स मेजर्स है, हमने पूरी तरीके से जो डिज़ायरेबल लगते हैं उस हिसाब से इकदाम लिए हैं। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशंस है, पब्लिक का रुझान है, उन सब को देखते हुए कैंडिडेट का उत्साह है। आपने देखा अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 24 कैंडिडेट 20 कैंडिडेट कैंपेन में है, श्रीनगर के लिए 24 है, और कल अभी जो है नॉमिनेशन प्रोसेस कंक्लूड नहीं हुई है बारामूला की, वहाँ भी जो है बढ़ चढ़ करके नंबर जो है आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ वोटर्स में ही नहीं, इवन कैंडिडेट में भी इसका उत्साह देखा जा रहा है। चैलेंजिंग तो डेफिनेटली है जब तक पूरी तरीके से इलेक्शन कंडक्ट नहीं होते हैं, लेकिन स्टिल हम उसके लिए तैयार हैं। कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन भी आ गई तो भी फोर्सेस चुस्त दुरुस्त है। अब मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, पहले जब भी इलेक्शन आते थे तो हमने ये देखा, हम काफ़ी टाइम से इलेक्शन कवर कर रहे हैं, बायकॉट का कॉल चलता था। उस जो कॉल चलता था, अब तो आर्टिकल 370 हट गया, क्या आपको लगता है कि अभी भी उस तरह का कुछ यहाँ पे वहाँ पे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो इस तरह का कॉल दें, या उनको रोकने के लिए क्या आपने इकदाम किए? लगता है ऐसा कोई कॉल जो है कोई करेगा, क्योंकि ऐसा अगर कॉल कहीं से आ जाएगा, मिस्टीरियस एलिमेंट्स डेफिनेटली रहते हैं, वो प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन फर्स्ट तो उनको पब्लिक ही जवाब देगी। अब मुझे बताइए पब्लिक जो है, मुझे लगता है कि जो डिस्टरबेंस का जो माहौल रहता है उससे उब चुकी है, और वो अब जो है नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती है। जो फोर्सेस है या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, वो डेफिनेटली उसको भी अपने कानूनन तरीके से जवाब देगी, उसको टेक केयर करेगी, लेकिन पब्लिक ही जो है ऐसी चीज़ों को नहीं मानेगी। अब मुझे बताइए, जैसे हमने जम्मू में इलेक्शंस कवर किए, जम्मू के दो डिविजन्स, जैसे दो फेसेस हुए, वहाँ भी लोगों ने ये कहा कि हमारी ये गलती थी, हम वोट देने नहीं निकलते थे। आप यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का क्या कहना था कि जो इससे पहले उन्होंने इलेक्शंस मिस किए, क्या कोई पछतावा रहा उनका, और अगले इलेक्शन के लिए क्या तैयारी है? क्योंकि आपने हमेशा, मैंने देखा कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, इसमें ऑनरेबल कमीशन का हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो जो तबकाजात सोसाइटी के इलेक्शंस में अपने पॉपुलेशन के रेशो के हिसाब से पोलिंग में नहीं आते हैं, उन तब को हम अवेयर करें, उनका भी पार्टिसिपेशन इंश्योर करें, और इंक्लूसिव इलेक्शंस करवाएं। सभी जो है तबकाजात समाज के, वो इलेक्शन में बराबरी के तौर पर जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज करें। जैसे कि वुमन्स है, 50% के करीब हर पोलिंग स्टेशन में वुमन आती है, लेकिन पोलिंग परसेंटेज कहीं वुमन का कम देखा गया, तो हमने वुमन से रिलेटेड पिंक पोलिंग बूथ से एस्टेब्लिश किए हैं, हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रहेगा। वैसे ही वुमन्स के लिए हर एक पोलिंग स्टेशन पर सेपरेट क्यू रहेगी, उनके लिए सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था की है, और कहीं अगर कोई बुज़ुर्ग आते हैं, डिसेबल्ड पर्सनस पोलिंग स्टेशन पर आते हैं, तो उनके लिए हम स्पेशल क्यूज़ लगाएंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी वोट करके जा सकेंगे। जो यूथ्स है, यूथ से रिलेटेड यूथ मैन पोलिंग स्टेशन हमने क्रिएट किए हैं, स्पेशली एबल्ड पर्सन्स है, तो हर एक पोलिंग स्टेशन पर हमने रैंप बनाया है, और व्हीलचेयर्स भी होंगे हर एक पोलिंग स्टेशन पर, लेडी हेल्पर भी होगी और जेंट्स के लिए भी हेल्पर रहेगा, जो जिस जिस को भी लगेगा वहाँ वो हेल्प के लिए अपना पूरा सहयोग करेंगे। हमारे सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs अब अपने बूथ में वोटर हेल्पलाइन डेस्क बना करके रहेंगे, और जिस किसी को भी लगता है कि कुछ हेल्प की ज़रूरत है, किसी को पता नहीं अपना सीरियल नंबर क्या है, वोटर लिस्ट में क्या क्या उसके डिटेल्स एंटर्ड है, तो वो डेफिनेटली BLO से चेक करते हुए मदद ले सकता है। इनके अलावा जो 85 उम्र से अबव वाले मतदाता है, जो सीनियर सिटीजन्स है, या मान लीजिए जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, इवन उनको हमने होम वोटिंग की सुविधा भी दी है। तकरीबन जो है 17,000 से ज़्यादा ऐसे लोग आते हैं कि जिनको ये इसमें एलिजिबिलिटी थी, और जिन जिन्होंने अप्लाई कर दिया, एक पर्टिकुलर पीरियड रहता है, उनके जो है घर में जा कर के 14, 15 एंड 16 तारीख को हमारी पोलिंग पार्टीज़ वहाँ टेम्पररी पोलिंग बूथ एस्टेब्लिश करेगी और होम वोटिंग की फैसिलिटी उनको देगी। ये फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। कहीं जो 85 से अबव उम्र रखने वाले या जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, उनको घर में जा कर के हमारी पोल पार्टीज़ वहाँ उनसे पोलिंग करवा रही है।
तो ओवरऑल देखा जाए तो बेसिकली कमीशन्स प्रयास करता है कि समाज के हर एक तबकाजात इलेक्शन जो हमारा एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है उसमें शिरकत करें। अब मुझे बताएं, जिस तरह आपने कहा कि इतनी फैसिलिटीज़ आपने रखी हुई हैं, शहर में तो ये चीज़ें सब पता चल जाती हैं, जो गांव देहात हैं उनको कैसे रीच आउट करते हैं आप, उन तक कैसे इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं? हर एक पोलिंग बूथ में हमने बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स बनाए हैं और बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स नॉर्मली हर एक विलेज में जितने भी हमारे गवर्नमेंट मुलाजिम रहते हैं, जैसे लंबरदार है, चौकीदार है, फिर उस गांव का जो आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर है, कोई दूसरा गवर्नमेंट मुलाजिम है, पटवारी है, VLW है, वो सब मिला करके बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनता है। BLO उनको लीड करता है क्योंकि BLO के पास पूरा डाटा रहता है, उसके पास गांव के वोटर कितने हैं, मेल फीमेल बाकी सब डाटा उसके पास रहता है और लोगों में वो अवेयरनेस करवा रहे हैं। इवन हर घर में हम वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इलेक्शन के पोल डे के 5 दिन पहले 100% वोटर्स को अपनी वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप उनके घरों में हमारा डिस्ट्रीब्यूट करने का इरादा है और वो हम अचीव करेंगे जी। अब मुझे बताइए, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये अफवाहें फैलाते हैं, रूमर स्पेकुलेशन की, जो वोटिंग मशीन्स हैं उनमें गड़बड़ है, उनमें मतलब कुछ छेड़छाड़ की जा रही है, उनको लेकर क्या कहेंगे, क्या क्या मैसेज देंगे जो आपको देख रहे हैं लोग, कितनी सेफ एंड सिक्योर वोटिंग? कमेंट इतना ही करना चाहूँगा कि सेम इश्यू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने था और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें तफसीलवार जो है ऑर्डर दी हुई है, मुझे उसमें उसके बियॉन्ड कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अब मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं इनको किस तरह देखते हैं आप, जिस तरह आज से पहले यहाँ पे आपने बहुत टाइम दिया, यहाँ पे आज से पहले जो इलेक्शन होते थे अब जो इलेक्शन हो रहे हैं उनमें कितना बदलाव देख रहे हैं आप? डेफिनेटली काफ़ी बदलाव है के हिसाब से। पहले जो है मुझे लगता है कि कैंडिडेट की संख्या भी कम होती थी, अभी जो है कैंडिडेट भी बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं, कैंडिडेट भी नुक्कड़ कॉर्नर में जा रहे हैं, उनको भी कहीं कोई डिफ़िकल्टीज़ महसूस नहीं हो रही है। पहले जो एक मैंने पढ़ा और देखा भी, कहीं कुछ एरियाज़ में स्टोन पेंटिंग्स वगैरह कहीं होती थी, वो अब जो है पास्ट की बात ज़ीरो हो गई है। अब जो है टोटली नॉर्मल एटमॉस्फेयर में हमारी पोलिंग पार्टीज़ भी पोल कंडक्ट करती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके कैंडिडेट्स भी जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं, पब्लिक भी जो है उसको उसी तरीके का रिस्पांस दे रही है। काफ़ी बदले हुए एनवायरनमेंट है और उसी का नतीज़ा है अब तक के 2 फेजेस में, डिस्पाइट रेन, डिस्पाइट स्कॉर्चिंग हीट, लोगों ने बढ़ चढ़ करके पोलिंग की परसेंटेज रखने में मदद की, उन्होंने पोलिंग स्टेशन पर आकर के अपना राइट निभाया। उसी तरीके से रिमेनिंग 3 फेजेस में मुझे अपेक्षा है कि यहाँ भी पोलिंग परसेंटेज बहुत बेहतरीन रहेगा। एक अहम सवाल यह है कि अभी तक पॉलिटिकल जो कैंपेन कर रहे हैं लीडर्स, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वॉयलेशन को किस तरह मॉनिटर कर रहे हैं, कोई ऐसा लीडर बयान ना दे या कोई सोशल मीडिया पर ऐसी हरकत ना हो, उन सब चीज़ों को किस तरह आप मॉनिटर कर रहे हैं और क्या उसके लिए आपने कोई अलग से सेल बनाया है? वो ऑनरेबल कमीशंस के इस पर बहुत ही डिटेल्ड में इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, जिस दिन को पोल शेड्यूल अनाउंस होता है उस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव यही है कि पुरामन तरीके से, एक ऑर्डरली तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से इलेक्शंस की जो पूरी टोटल प्रक्रिया है उसको हम करें। सिर्फ कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है ऐसे नहीं, इवन गवर्नमेंट मुलाजिमों को भी लागू होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी लागू होता है, इवन आम कोई NGO है, रिलीजियस ट्रस्ट है, उनको भी इतना ही सिमिलरली लागू होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कॉम्प्लायंस देखने के लिए हमारी बहुत डिटेल में अपरेटस बनाया हुआ रहता है, हर एक इम्पोर्टेंट चौराहे पर हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स रहती है जो चेक करती है कहीं एक्सपेंडिचर रिलेटेड कोई चीज़ तो नहीं है, कोई कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्रीबीज या लीकर या कहीं ड्रग्स का कोई बंटवारा तो नहीं कर रही है। फिर फ्लाइंग स्क्वाड रहते हैं जो इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स रहते हैं या अपने अपने एरिया में जो भी कोई पब्लिक मीटिंग हो रही रहती है उनको हमारे कैमरामैन भी कवर करते हैं, ताकि उसमें जो एक्सपेंडिचर लगा है अगर कैंडिडेट ने प्रॉपर एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया है हम उसको काउंटर करते हैं कि नहीं आपने ये चीज़ें उसमें नहीं दर्शाई है। ये दोनों टीमें अपने एरिया में चुस्त दुरुस्त रहती है, राउंड द क्लॉक काम करती है, इवन जिस एरिया में पोल हो गया है जैसे उधमपुर एंड जम्मू वहाँ भी ये दोनों टीमें अभी भी काम कर रही है पोल होने के बावजूद भी, ताकि पूरे जम्मू कश्मीर में जब तक पोल प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है तब तक ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बदस्तूर रहता है। इसको देखने के लिए या उस पर निगरानी रखने के लिए
ज़िले की सतह पर कंट्रोल रूम रहती है। हर एक ज़िले में हमने सोशल मीडिया की टीम, फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की टीम, प्रिंट मीडिया की जो कटिंग से उसको देखने के लिए जो टीम है वो बनाई हुई है। इवन मेरे भी ऑफिस में जम्मू में भी कंट्रोल रूम बना हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ भी इस ऑफिस में भी मैंने श्रीनगर के ऑफिस में भी कंट्रोल रूम बना है, साथ में जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी का जो कंट्रोल रूम है HMT बेमिना में उसको भी हम यूज कर रहे हैं। पूरी तरीके से डिजिटल आय रखते हुए पूरे प्रक्रिया को निगरानी करते हैं, कहीं भी किसी तरीके का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस नज़र में आता है तो हम उसको कॉग्निजेंस लेते हैं और अब तक काफ़ी पैमाने पर हमने लिया है। चलिए आखिरी मैसेज जो नए वोटर्स हैं और जो खासकर जम्मू जो खासकर कश्मीर के लोग जब इलेक्शन होने वाले हैं उनको इनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? वादी कश्मीर के तमाम इलेक्टर्स को मेरी अपील ये रहेगी, पिछले काफ़ी महीनों से हम मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं इलेक्शन डिपार्टमेंट भी बहुत मेहनत करता है। आपके गांव में या सिटी में रहते हैं तो मोहल्लों में हम पोलिंग स्टेशन क्रिएट करते हैं, वहां सभी बेसिक फैसिलिटीज़ इंश्योर करते हैं, पानी बिजली रैम्प कनेक्टिविटी सेड वरांडाज फर्नीचर्स ये बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल करा लेते हैं। आपका रोल में नाम है या नहीं है उससे रिलेटेड रोल रिविज़न होता है और आप भी उसमें जो किसी का नाम नहीं तो डालने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, कोई करेक्शंस है तो करेक्शंस हो जाता है, रोल रिविज़न हम करते हैं। जितना अमला पोलिंग स्टेशंस पर लगता है उनको हम बाकायदा 3 बार ट्रेनिंग देते हैं। ये सब मेहनत किस काम के लिए? आपके वोट के लिए। वोट के दिन श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 13 मई को, बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 और अनंतनाग राजौरी में 25 मई को आपके विलेजेस में आपके ही मोहल्लों में अगर आप सिटी में रहते हैं तो पोलिंग स्टेशन हम एस्टेब्लिश करेंगे। आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी कि आप अपने घर से आपके ही विलेजेस में मोहल्लों में जो पोलिंग स्टेशन आपके लिए बनाया है वहाँ तक आकर के आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको एक्सरसाइज करें, उसका इस्तेमाल करें। वो सिर्फ हमारा हकूक ही नहीं वो हमारी ड्यूटी भी है। और डेफिनेटली अब तक जो 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोटर ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा लिया वैसी अपेक्षा मैं आप सबसे रखता हूँ। कितनी भी मुश्किलात आए, इवन उस दिन कोई बारिश हो धूप हो ठंड हो, उसके बावजूद मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पोलिंग स्टेशन पर आकर के ज़रूर अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करेंगे। जो नौजवान है जो हमारा देश का इस भविष्य है उससे तो और मेरी अपेक्षा है। आप फर्स्ट टाइम वोटर रहे, फर्स्ट टाइम वोटिंग का थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आप लेने जा रहे हैं। आपके लिए हमने पोलिंग स्टेशन पर बेसिक फैसिलिटीज रखी है, आपका वोटिंग का एक्सपीरियंस बेटर कैसे हो उसके लिए हमारा हर प्रयास जारी है और आप भी उतने ही बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा लेंगे ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। शुक्रिया। चलिए बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पांडुरंग अपोले, जिन्होंने बातचीत की इलेक्शन की तैयारियां किस तरह चल रही हैं, जम्मू में जिस तरह इलेक्शंस हुए, जिस तरह कठुआ में इलेक्शंस हुए बहुत स्मूथली हुआ, उसके लिए हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू। और उम्मीद करते हैं जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर डिवीजन में अब इलेक्शन होने वाला है वो भी स्मूथली हो जाए। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।